मध्य प्रदेश के नागदा में मौसम विभाग के मानसून के प्रवेश की घोषणा के बावजूद बारिश नहीं होने से किसानों द्वारा देवी देवताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया। बारिश की लंबी खेच के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। वहीं बारिश के सीजन में पहली बारिश के बाद से ही बारिश नहीं होने से किसानों और व्यापारियों द्वारा इंद्र भगवान को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते आज उन्हेल में अजमनी मनाई गई। पौराणिक मान्यता है कि जब वर्षा ऋतु में पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो खेत खलिहान में जाकर खाना बनाकर इंद्रदेव भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने और इंद्र देवता की पूजा अर्चन करने से वो प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करते हैं। इसी मान्यता के चलते उन्हेल में व्यापारियों द्वारा बाजार बंद कर किसानों द्वारा खेतों में जाकर उजमनी आयोजन किया गया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज उज्जैनी का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि बोनी के बाद बारिश काफी समय से रुकी हुई है और फसलों को नुकसान बहुत होने लगा है, इसलिए उन्हेल में आज उज्जैनी का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें समस्त वर्ग के किसान, अन्य वर्ग के जो सज्जन लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्थानों पर खेतों पर उज्जैनी का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें इंद्रदेव को मनाने के लिए अपने अपने स्थान पर उनको मनाने के लिए पूजन पाठ एवं दाल बाटी का आयोजन रखा गया है और समस्त किसान इसमें विशेष रूप से भगवान को मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनकी सारी कोशिश है कि पानी गिर जाए और फसलों को नुकसान न हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाथों